तो ये मूवी शुरू होती है न्यूयॉर्क सिटी से, जहाँ हम हेक्टर नाम के एक मैजिशियन को देखते हैं। हेक्टर एक बहुत ही टैलेंटेड मैजिशियन है, लेकिन फिलहाल उसकी लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है। एक एक करके वो कई टैलेंट शो में ट्राई करता है, लेकिन हर बार उसे रिजेक्शन ही फेस करनी पड़ती है, और वो समझ जाता है कि अब उसे कुछ अलग करना होगा। फिर एक दिन वो एक पेट स्टोर के सामने आता है, जहाँ कुछ एक्सोटिक एनिमल्स रखे हुए हैं, और उसके ओनर से कहता है कि मैं भी एक स्पेशल एनिमल खरीदना चाहता हूँ, ताकि मैजिक एक्ट में उसका यूज कर सकूँ। तभी उसे किसी के गाने की आवाज आती है, और जाकर देखने पर पता चलता है कि ये तो एक छोटा सा क्रोकोडाइल है। हेक्टर उसे गाता देखकर बहुत हैरान होता है, और देखता है कि उसके केज पर लाइल लिखा हुआ है। वो खुद भी एक ऐसा ही स्पेशल एनिमल चाहता था, इसीलिए उसे खरीद कर अपने घर ले आता है। और हम देखते हैं कि लाइल भी बाहर की दुनिया देखकर बहुत एक्साइटेड है। आगे हेक्टर उसे अपने साथ गाना गाने को बोलता है, लेकिन देखता है कि लाइल शायद कम्फर्टेबल नहीं फील कर रहा। वो उसे अपना एक मफलर देता है, और तभी अचानक लाइल फिर से गाने लगता है। हेक्टर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि लोग एक सिंगिंग क्रोकोडाइल को बहुत पसंद करने वाले हैं, और वही है जो शायद उसकी सोई हुई किस्मत को फिर से जगा देगा। यही सोचकर वो एक थिएटर में जाता है, ताकि वहाँ अपने लिए एक शो बुक कर सके, और पैसे के बदले ओनर के पास अपना घर गिरवी रख देता है। आगे हम उसे और लाइल को अपनी रिहर्सल करते हुए देखते हैं, जहाँ लाइल अब पहले से बड़ा हो चुका है, और फिर जल्दी ही उनके शो वाला दिन आ जाता है। हेक्टर और लाइल स्टेज पर जाने को तैयार हो जाते हैं, और देखते हैं कि पूरा थिएटर हाउसफुल हुआ पड़ा है। लेकिन लाइल इतने सारे लोगों को देखकर नर्वस हो जाता है, और हेक्टर के लाख कोशिश करने पर भी वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। लोग ये देखकर उनका खूब मजाक उड़ाते हैं, और थिएटर का ओनर पर्दे को नीचे गिरा देता है। हेक्टर को अपना घर छोड़ना पड़ता है, और वो लाइल को एक हेडफोन देकर वहीं छुपने को बोलता है, और कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। लाइल को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आगे का सीन कुछ टाइम बाद का है, जहाँ प्रिम फैमिली उस घर में मूव होने आती है, और इनका एक जोश नाम का बेटा भी है। जोश इतनी बड़ी सिटी में पहली बार रहने आया है, और उसे लगता है कि वो शायद यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगा। फिर वो अपने पड़ोसी मिस्टर ग्रम से मिलते हैं, जो एक नंबर का सन के आदमी है, और उन्हें वॉर्न करता है कि मुझे और मेरी कैट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। घर देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी खबर नहीं थी कि एटिक पर एक क्रोकोडाइल भी रहता है। उस रात जोश को एटिक से कुछ आवाज आती है, और ऊपर जाकर वो देखता है कि वहाँ एक क्रोकोडाइल का स्टैचू रखा हुआ है, जिसके साथ एक लेटर भी है, जिसमें लिखा है कि ये मेरा क्रोकोडाइल लाइल है, और प्लीज इसका अच्छे से ध्यान रखना। उसे एक खिलौना समझकर जोश वहाँ से चला जाता है, और उसके जाते ही लाइल चैन की सांस लेता है। अगली सुबह जोश अपने स्कूल के लिए निकलता है, और सिटी की भागदौड़ देखकर उसे बहुत घबराहट होती है। उसकी मॉम किसी तरह उसे स्कूल तक लाती है, जान जाने में कुछ स्टूडेंट से उसकी बहस हो जाती है, और हम देखते हैं कि वो खुद को बहुत अकेला फील कर रहा है। रात को वो नए दोस्त बनाने का तरीका ढूंढता है, और अचानक वहाँ ग्रम की कैट आ जाती है, जिसे जोश पकड़कर अपने पास बिठा लेता है। इस बार एटिक से उसे गाने की आवाज आती है, और जाकर पता चलता है कि क्रोकोडाइल का केस खाली पड़ा हुआ है। ग्रम की कैट भी अचानक से अग्रेसिव हो जाती है, और पलटने पर वो देखता है कि सामने एक जीता जागता क्रोकोडाइल खड़ा है। कैट लाइल पर अटैक करने जाती है, और इसी चक्कर में लाइल गलती से उसे निगल जाता है। फिर वो डर कर वहाँ से बाहर भागने लगता है, क्योंकि हेक्टर के अलावा वो अभी तक किसी इंसान से नहीं मिला था, और जोश भी क्यूरियस होकर उसका पीछा करने लगता है। भागते हुए वो एक सुनसान सी जगह पर आते हैं, जहाँ एक होमलेस आदमी जोश को लूटने वाला था, और लाइल ये देखकर जोश की हेल्प करने आता है। वो उस आदमी को डराकर वहाँ से भगा देता है, और ग्रम की कैट भी उसके पेट से बाहर निकल आती है। लाइल को इससे बहुत एम्बैरेसमेंट होती है, और वो वहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन जोश उसे ये कहकर रोक लेता है कि तुम्हें मुझे वापस जाने का रास्ता दिखाना होगा। अगली सुबह जोश के डैड बाहर कचरा फेंकने जाते हैं, जहाँ एक बार फिर उनकी बहस ग्रम से हो जाती है, और ग्रम उन्हें धमकी देने लगता है। इधर जोश और लाइल के बीच दोस्ती हो गई थी, और इससे उसका कॉन्फिडेंस भी पहले से काफी बढ़ गया था। अब वो स्कूल भी लाइल के दिखाए रास्ते से जाता है, भीड़ भाड़ से भी अब उसे कोई डर नहीं लगता, और उसकी मॉम भी हैरान होती है कि आखिर इतना बदलाव उसमें कहाँ से आ गया। स्कूल में वो ट्रूडी नाम की एक लड़की से मिलता है, जिसे वो काफी टाइम से फॉलो कर रहा था, और फाइनली उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। उधर उसकी मॉम को लगता है कि शायद वो जोश को टाइम नहीं दे पा रही, और इसीलिए वो खुद को अकेला फील करता है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जोश को अपने लिए एक बेस्ट फ्रेंड मिल चुका है।
इसके बाद हम देखते हैं कि लाइल और जोश मिलकर डस्टबिन में से खाना कलेक्ट करते हैं, जहाँ ग्रम की वो कैट भी उनके साथ है। और फिर अपनी बिल्डिंग की छत पर उनकी पार्टी होने लगती है, जहाँ जोश लाइल को बताता है कि मिसेस प्रिम असल में उसकी स्टेप मॉम है और उसकी असली मॉम तो बचपन में ही चल बसी थी। अब लाइल इमोशनल होकर एक गाना गाने लगता है और ये देखकर जोश को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि वो लाइल की इस स्किल के बारे में कुछ नहीं जानता था। और इसी तरह उन दोनों का रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यही ज्यादा खाने से कैट की तबीयत खराब हो जाती है और ग्रम को लगता है कि ये जरूर प्रिम फैमिली का काम है। सुबह जोश की मोम उसे ढूंढते हुए एटिक तक आती है और उन्हें लगता है कि क्रोकोडाइल जोश को खाने की कोशिश कर रहा है। डरकर वो जोश को वहाँ से नीचे ले जाने लगती है और लाइल को समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो खिड़की से किसी तरह नीचे आता है और गाने के थ्रू कहता है कि जोश को मुझसे कोई खतरा नहीं है। जोश भी अपनी मॉम को समझाता है कि लाइल एक इंटेलिजेंट एनिमल है जो सिर्फ गाने के थ्रू बात करता है और वो भी मेरी तरह बहुत अकेला था, लेकिन अब हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। उसकी मॉम भी ये बात समझ जाती है, लेकिन ह्यूमन नेचर के कारण वो अभी भी उस क्रोकोडाइल से बहुत डरी हुई थी। आगे हम लाइल और उसकी मॉम के कुछ अमेजिंग मोमेंट्स देखते हैं, जहाँ वो पहले तो लाइल के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन लाइल अपनी स्टाइल और सिंगिंग से उन्हें इम्प्रेस कर लेता है और साथ ही घर के कामों में भी उनकी मदद करने लगता है। जोश भी ये देखकर बहुत खुश होता है कि फाइनली उसकी मॉम भी लाइल को पसंद करने लगी है, और इसी तरह वो तीनों खूब इंजॉय करते हैं। यहीं एक सीन में हम ग्रम को देखते हैं, जिसे प्रिम फैमिली पर शक होने लगा था और उन पर नजर रखने के लिए वो कैमराज लगा देता है। उधर जोश की मोमो पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी और उसके डैड को लगता है कि शायद उसे कोई और मिल गया है। उसकी वाइफ इस गलत फहमी को खत्म करना चाहती थी, इसीलिए वो उन्हें लेकर जोश के पास आती है और कहती है कि अब इन्हें सच बताने का टाइम आ गया है। ठीक उसी वक्त बाथरूम से लाइल बाहर आता है और उसे देखकर तो उसके डैड की हालत खराब हो जाती है। वो उन सबको घर से बाहर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हेक्टर आ जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से साल में 15 दिन इस घर में रह सकता था। लाइल हेक्टर को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि वो अभी भी उससे बहुत नाराज था, लेकिन हेक्टर किसी तरह उसे मना लेता है और इससे लाइल का गुस्सा भी शांत हो जाता है। हेक्टर और लाइल एटिक में बहुत शोर मचाते हैं, जिसकी आवाज नीचे ग्रम भी सुन लेता है और कहता है कि अब इन्हें बाहर निकालने का टाइम आ गया है। जोश के डैड को हेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन उसकी फैमिली हेक्टर के साथ घुल मिल जाती है और वो लाइल को लेकर सिटी में घूमने निकल जाते हैं, जहाँ लाइल भी इस नए एक्सपीरियंस को बहुत एंजॉय करता है। लेकिन जोश के डैड को तो अभी भी लाइल बिल्कुल पसंद नहीं था और इसके लिए लाइल एक आइडिया निकालता है। वो जानता था कि जोश के डैड एक टाइम पर रेसलर रह चुके हैं और इसीलिए वो उनकी पुरानी ड्रेस लेकर आता है और फिर रेसलिंग के लिए उन्हें चैलेंज करता है। पहले तो वो उनकी खूब पिटाई करता है, लेकिन फिर जानबूझकर मैच को हार जाता है, जिससे जोश के डैड भी बहुत खुश होते हैं और वो भी लाइल को पसंद करने लगते हैं। आगे हेक्टर उन्हें कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाता है और फिर जैसे ही वो गाना गाने लगता है, लाइल भी आकर उसे ज्वाइन कर लेता है। हेक्टर ये देखकर एक बार फिर लाइल से कहता है कि हमें मिलकर एक शो करना चाहिए और लाइल भी थोड़ा झिझकने के बाद एग्री हो जाता है। वो दोनों अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जोश कहता है कि उन्हें जबरदस्ती लाइल से ये नहीं करवाना चाहिए, पर हेक्टर उसकी एक नहीं सुनता और लाइल को लेकर शो के लिए निकल जाता है। लेकिन रात को पता चलता है कि लाइल इस बार भी परफॉर्म नहीं कर पाया और इसी बात से वो बहुत उदास है। तब जोश उसे समझाता है कि तुम्हारे गाने या ना गाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम जैसे भी हो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। वही हेक्टर लाइल से कहता है कि अब तो मुझे कुछ लोन्स ही लेने पड़ेंगे और लाइल ये सुनकर उदास हो जाता है कि शायद ये सब उसी की गलती है। आगे हम जोश के डैड को देखते हैं, जिन्हें ग्रम ने अपने घर मीटिंग पर बुलाया है और वहाँ उनकी वाइफ के अलावा सोसाइटी के और भी मेंबर्स मौजूद हैं। वहाँ ग्रम सबसे कहता है कि ये फैमिली बिल्डिंग में रहने के बिल्कुल लायक नहीं है, क्योंकि इनकी वजह से सभी को बहुत डिस्टरबेंस होती है और मुझे तो ये भी शक है कि इन्होंने घर में किसी को छुपाया हुआ है। तभी अचानक से हेक्टर वहाँ आता है, जो ग्रम का पुराना पड़ोसी था, और समझ जाता है कि ग्रम जोश की फैमिली को तंग कर रहा है। वो सभी को ग्रम की असलियत बताता है कि कैसे उसने बिना परमिशन के बिल्डिंग में कैमरास लगाए हुए हैं, जिससे वो सभी की प्राइवेसी खतरे में डाल रहा है, और ये सुनकर ग्रम उस मीटिंग को कैंसिल कर देता है। सभी लोग वहाँ से वापस जाने लगते हैं, लेकिन ग्रम हेक्टर को रोक लेता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक फायदे का सौदा है। फिर हम हेक्टर को घर आते हुए देखते हैं, जहाँ आते ही वो बहाना करके एटिक में चला जाता है, लेकिन लाइल को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। और तभी वो देखते हैं कि घर के बाहर एनिमल कंट्रोल वाले आए हैं
वो लोग लाइल को एक अलमीरा में छुपा देते हैं और जॉर्ज भागकर हेक्टर को बुलाने जाता है, लेकिन देखता है कि वो वहाँ पर कहीं नहीं है। इधर ऑफिसर लाइल को पकड़ लेते हैं और जॉर्ज उसे गाना गाने को कहता है ताकि प्रूव कर सके कि वो एक इंटेलिजेंट एनिमल है, लेकिन लाइल डर के मारे ऐसा नहीं कर पाता और ऑफिसर्स पकड़ कर उसे जू में ले जाते हैं। जू में बाकी एनिमल्स उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं, लेकिन लाइल उनकी कोई परवाह नहीं करता और तभी वो देखता है कि जॉर्ज वहाँ उसे मिलने आया है। जॉर्ज उसे बाहर निकालने का प्रॉमिस करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि आखिर लाइल भी एक क्रोकोडाइल ही है और शायद जू में रहना उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इस पर जॉर्ज कहता है कि मेरा सारा कॉन्फिडेंस उसी की वजह से है और मैं उसे इस तरह यहाँ नहीं छोड़ सकता। ये बोलते बोलते वो बेहोश हो जाता है और बाद में पता चलता है कि उसे एक पैनिक अटैक आया था। आगे हम हेक्टर को देखते हैं जो ढेर सारे पैसों के साथ सिटी से बाहर जा रहा है और समझ आता है कि ग्रम के लालच में आकर उसी ने लाइल को पकड़वाया था। फिर वो लाइल के साथ बिताए उन पलों को याद करता है और उसे रियलाइज होता है कि लाइल उसे कितना प्यार करता था। लाइल और जॉर्ज का भी कुछ ऐसा ही हाल था और वो दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे। जॉर्ज रात को बाहर कचरा डालने जाता है और देखता है कि वहाँ सामने हेक्टर खड़ा है। उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है कि तुम्हें लाइल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इस पर हेक्टर कहता है कि मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब मैं लाइल को जू से आजाद कराने वाला हूँ। वो जॉर्ज को भी अपनी मदद करने को बोलता है और कहता है कि मैं 4 बजे जू में तुम्हारा वेट करूँगा। हेक्टर सही टाइम पर जू तक पहुँच जाता है, लेकिन देखता है कि जॉर्ज वहाँ कहीं नहीं है। फिर वो गार्ड का ध्यान भटकाता है और उसे बेवकूफ बनाकर लाइल के पिंजरे तक पहुंच जाता है। वहाँ दूसरे क्रोकोडाइल उस पर अटैक करने आते हैं और तभी वो देखता है कि जॉर्ज भी अंदर पहुंच चुका है। वो उसे अपनी हेल्प करने को बोलता है, लेकिन जॉर्ज कहता है कि मदद तो तुम्हें लाइल से मांगनी चाहिए क्योंकि वही है जो तुम्हें माफ कर सकता है। हेक्टर लाइल से अपने किए की माफी मांगता है, पर लाइल उस पर कोई ध्यान नहीं देता और तब जॉर्ज उसे समझाता है कि हेक्टर को अपनी गलती का एहसास हो गया है और हम दोनों यहाँ तुम्हें बाहर निकालने आए हैं। लाइल ये सुनकर मान जाता है और वो तीनों किसी तरह वहाँ से बाहर निकल आते हैं, लेकिन देखते हैं कि बाहर पुलिस ने उन्हें घेर लिया है। जॉर्ज कहता है कि हमें लाइल के टैलेंट को दुनिया के सामने लाना होगा ताकि वो उसकी अच्छाई पर यकीन कर सके, और तभी उसे एक टैलेंट शो की बस दिखाई देती है जिसका आज फाइनल राउंड होने वाला है, और हेक्टर भी उसका प्लान समझ जाता है। फिर वो मैजिक से पुलिस का ध्यान भटकाता है और लाइल और जॉर्ज भागते हुए एक बाइक के पास आते हैं जो असल में हेक्टर की ही थी। लाइल बाइक चलाने में उसकी हेल्प करता है और जल्दी ही वो उस टैलेंट शो तक पहुंच जाते हैं जहां उनकी बाइक क्रैश हो जाती है और जॉर्ज लाइल को लेकर बैक स्टेज की ओर चला जाता है। यही एक सीन में हम उसके पेरेंट्स को देखते हैं जिन्हें जॉर्ज के गायब हो जाने का पता चल जाता है और वो एक ट्रैकिंग ऐप से उसे ट्रैक करने लगते हैं। उधर जॉर्ज अपनी फ्रेंड ट्रूडी को कॉल करता है जो आज के शो में हिस्सा लेने आई है और उसे बताता है कि मैं लाइल के टैलेंट को दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। ट्रूडी उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाती है और वो लाइल को लेकर स्टेज के पास पहुंच जाते हैं। फिर जॉर्ज लाइल को खींच कर स्टेज पर लाता है और ऑडियंस के साथ साथ जज भी उसे देखकर डर जाते हैं। पुलिस भी उन्हें पकड़ने आ जाती है और जॉर्ज लाइल से कहता है कि अब ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है और तुम्हें अपना टैलेंट दिखाना ही होगा। उसे नर्वस होता देख वो उसे अपने साथ मिलकर गाने को बोलता है, लेकिन लाइल अभी भी हिम्मत नहीं कर पाता और जॉर्ज अपनी बेसुरी आवाज में अकेला ही गाने लगता है। तभी लाइल देखता है कि लोग जॉर्ज की आवाज का मजाक उड़ा रहे हैं और ये देखकर वो खुद को नहीं रोक पाता और माइक पकड़कर गाना शुरू कर देता है। लोगों को उससे ऐसी परफॉर्मेंस की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और जल्दी ही वो सब उसके फैन हो जाते हैं। सिटी के बाकी लोग भी उसकी परफॉर्मेंस देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं और हेक्टर का सपना भी फाइनली पूरा हो जाता है। आगे का सीन 1 महीने बाद का है जहाँ ग्रम्प ने प्रिम फैमिली पर केस कर दिया है कि वो एक खतरनाक एनिमल को घर में नहीं रख सकते। तभी हेक्टर वहाँ एक डॉक्यूमेंट लेकर आता है जिसमें लिखा है कि उसकी नानी इस प्रॉपर्टी की असली मालिक थी और उन्होंने ही सिटी के जू को भी बनवाया था, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस घर में किसी भी एक्जोटिक एनिमल को रखने की स्पेशल परमिशन दी थी। जज ये देखकर फैसला लाइल के हक में करता है और ग्रम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इस जीत की खुशी में जॉर्ज की फैमिली लाइल को एक वेकेशन पर ले जाती है और तभी वहाँ जॉर्ज की फ्रेंड ट्रूडी आती है जिसके पास एक रैटल स्नेक है। हेक्टर देखता है कि ये स्नेक तो मुंह से बीट बॉक्सिंग कर रहा है, जिसे देखकर उसे एक और आइडिया आता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।